दिस इज मी। मैं अभी फुटेज देख रहा था उदयपुर के ब्लॉग की और अभी मैंने सोचा कि इसको हम गुजराती में एडिट करें, तो अभी आप लोगों में एडिट करी बतावी, मैंने आपने दिखाई बताई, सही है। डोसा चाय इडली फूल खाए पी ले, हमें लोगों शूट कर लिए, हमें शूट नहीं करता, शूट तो लोग रहे थे, हमें तेरे कबूतर उड़ा और इधर लिखा है कबूतर उड़ाना मना है, फिर भी उड़ा रहे ताली बजा के, पर कबूतर है रीते ज उड़े। જ્યારે કોઈ હિન્દી બ્લોગર ગુજરાતીમાં બ્લોગ બનાવવાની ટ્રાય કરે ત્યારે આવી નોન સેન્સ કોમેડી કરતો જ હોય છે, તો એને ઇગ્નોર કરીને આપણે પણ હરેક બ્લોગરની તરફ રોડ રસ્તાથી શરૂઆત કરીશું। પ્રકરણ એક, રોડ રસ્તા। પાંચ ઉલટી કર્યા બાદ અમે બધા સાથે હવે જઈ રહ્યા છીએ હોટલમાં ખાવા માટે। લોકેશન અમારી સામે છે પણ એઝ યુઝ્યુઅલ અમે લેટ થઈ ચૂક્યા છીએ। सूरज दादा हमारी ऊपर चढ़ी गया छे तो हम अभी नकटा थे दूसरा लोकेशन मिला काले इधर हमारा तो रोज का है। तो लोग करता करता कोई एकदम चोखे गुजराती આવી જાય અમારા મોઢેથી કે હેની જગ્યાએ છે સંભળાય અને એકદમ ચોખું ચોખું સંભળાય તો સમજી જવાનું કે અમે લોકો નાટક કરી રહ્યા છીએ। અમને એટલું ચોખું બોલતા નહીં આવડતું। એકદમ ચોખ્ખી ગુજરાતીમાં વાત કરશો આજે અમે, ક્યુંકિ અમે અચ્છા બચ્ચા આઈફોન અંદર નાખીને હવે રિયલ ગેમ ચાલુ કરીએ। जैकेट वैकेट मैंने पहना है, अभी यहाँ पे बहुत ठंड है, आप बर्फ पीछे देख सकते हैं, बर्फ नहीं है ये चूना है। और यहाँ पे आते ही हमको एक चूना लग गया 3 लाख का, सही है। ड्रोन हम वहाँ पे उड़ा रहे थे, वो पहाड़ी दिखा यार, ड्रोन हम वहाँ पे उड़ा रहे थे। और यहाँ पे जो एक स्पोर्ट मोड पे हमको आदत है उड़ाने की, क्योंकि स्पीड यूनो, तो हम वहाँ उड़ा रहे थे और पीछे सेंसर जो थे वो ड्रोन के बंद हो जाते हैं स्पोर्ट मोड में और ड्रोन पीछे ठुक गया। हमारा ड्रोन डैमेज हुआ है, मिलन भाई का दिल डैमेज हुआ है। हां भाई जल्दी लीजन भाई तो ना बोली ना जुड़ाड़ी। डीजे के ड्रोन्स की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, वरना अगर पत्थर में ड्रोन लग जाए तो सीधा गिम्बल उड़ जाता है, लेकिन यहाँ पर एक पाँव को डैमेज हुआ है एंड थोड़े मोटे स्केचेस आए, बाकी प्रोपेलर्स तो चेंज हो जाएंगे।
ये सब कुछ एडिट करते हुए मैंने देखा और मुझे रियलाइज हुआ कि ड्रोन को कभी स्पॉट पर नहीं उड़ाना चाहिए। आपका फोन आपकी जेब में ही बेहतर है। जब आप घूमने जा रहे हो तब बस फोटो वीडियो के लिए निकालो। एंड ये सब कुछ अगर हम राउंड फिगर लगाए तो मुझे 20,000 का, मुझे नहीं उन लोगों को 20,000 का फटका लग चुका है। और वो फटका लगने के बाद भी उन लोगों में कोई चेंजेस आए नहीं है भाई। तो अपनी लाइफ ऐसी चलने वाली है, फटके लगने वाले, और कुछ नहीं।